लोगों के अगर प्रश्न है किसी का अभी तो हाँ अभी कर लीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद चावला जी। हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म का जो है भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा तत्व है पुनर्जन्म, और सभी धर्मों में यहाँ पर पुनर्जन्म को लिया गया है। आपने जैसे एक मैनेजमेंट की बात कही, मुझे आपसे सुनते हुए पंचतंत्र की बात याद आ गई। विष्णु शर्मा जब आए वहां पर, वो राजा के जो लड़के हैं चारू महाउदंड, और वो पढ़े नहीं, उन्होंने कसम खा रखी कि अपन को पढ़ना नहीं है। तो बेचारे कई पंडित आ करके अपमानित होकर चले गए। विष्णु शर्मा भी आए तो उन्होंने उसको पढ़ाने का तरीका सोचा, उन्होंने कैसे पढ़ाए इनको। अचानक उन्होंने कहा कि देखो वहां पर ये कितने कबूतर बैठे हैं। तो उसने कहा कि कबूतर कितने बैठे हैं, वो 10 बैठे हैं, तो 2 उड़ गए तो कितने बच गए। तो छोटे वाले भाई ने कहा बड़े भाई से, बोले भैया अभी अपने को पढ़ा रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ, तो अपने को पढ़ना नहीं है। तब फिर वो पंचतंत्र की कहानियों की रचनाएं होती हैं, और उन कहानियों के माध्यम से वो पूरी की पूरी व्यवहार की और राजनीतिक शिक्षा उन्हें देते हैं। ऐसे ही आप भगवत गीता में याद कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति में किस प्रकार से आप कोई बात कहेंगे और किस संदर्भ को लेकर के कहेंगे, किस तरह से, वो आप भगवत गीता में देख सकते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में जिसमें कि युद्ध सामने है और वहां पर अर्जुन जो कि मुख्य पात्र है इधर से, वो मना कर चुका है, उसको मनाना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन उसमें कई तरह के प्रयोग करते हुए और कृष्ण जो है उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन अंतर यह है कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। और अंत में अलग अलग उस स्तर से जाते हुए और उस विकट परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए और स्वयं कृष्ण को ब्रह्म के रूप में प्रकट करना पड़ा, तब जाकर के वो नियंत्रित हुई। ये एक तरह का, तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं हमारी इसमें है, जातक कथाओं में ये स्वरूप जो है डॉक्टर साहब ने बड़ा स्पष्ट किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय यहाँ पर दिया और आप सबने सुना। और मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भी इस पर कुछ अपनी बात कहें, चाहे धन्यवाद न कहें उसको, लेकिन दो शब्द हम कहें। मुझे तो मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया हमको, और जातक कथाओं के संबंध में थोड़ी बहुत हल्की हल्की चर्चा जरूर सुनी हुई थी। मुझे जान लेता कि इसके अंदर मैनेजमेंट का, प्रबंधन का इतना बड़ा शास्त्र और राज छिपा हुआ है, तो इसका उपयोग आज के जमाने में कैसे हो, यह एक बहुत विचारणीय बात है। मैं इनका परिचय पढ़ रहा था, खुद इन्होंने इंजीनियरिंग किया, बात के जितनी भाषाओं का अध्ययन किया, इतना साहित्य का सेवा की, और लेखन भी किया, और कवि हृदय भी है, भावुक है, अंदर में भाव भी है। लेकिन आज तो समय बहुत कम मिला, मैं इनसे पुनः मिलना चाहूंगा, और केवल मिलना ही नहीं, क्योंकि ये समस्या मेरे सामने भी कभी कभी आई है। कंपनी के कामकाज के अंदर जो प्रबंधन करना पड़ता है, जहां पर जनरल मैनेजर्स और टेक्निकल डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स भी होते हैं, और मजदूरों के बीच में भी जाना पड़ता है, और कभी कभी कॉलेजेस के अंदर जाकर के और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच के अंदर उनको भी कार्य की शिक्षा देने के लिए भी जिधर में जाना पड़ता। तो मैं समझता हूं कि इनकी बात जो है, उन्होंने जो बात बताई, हमारे जीवन के अंदर ये बहुत उपयोगी हो सकती है, और केवल
कार्य क्षेत्र में नहीं, आज हमारे परिवार के प्रबंधन को भी जो करना है, समाज के प्रति जो प्रबंधन करना है, जिस तरह से व्यवहार करना है, इसके अंदर इस प्रकार की कथा है, इस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से एक बात समझाई जाए, वो जमी हुई रहती है मन के अंदर, स्थिर हो जाती है। तो इसलिए इनका बहुत महत्व है। मैं इनको पुनः पुनः सुनना चाहता हूं, और केवल यहीं पर नहीं और दूसरे स्थानों पर भी आपसे मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा समय आपको और दें, कुछ समाज के लोगों के लिए और कुछ आज की जो जनरेशन आगे आ रही है कार्य, आप तो उसके अंदर शिक्षण में रहे ही हैं, तो उसके संबंध में भी मैं आपसे पुनः मिलकर के और ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगा कैसे हम आगे चलें। बाकी जैसी बौद्ध जातक कथाएं हैं उस तरह की, उस तरह का कथा साहित्य हमारे यहां बहुत रहा, शायद जैनियों के अंदर की परंपरा नहीं होगी, और पंचतंत्र की और 45-25 और महाभारत के अंदर बहुत कथाएं हैं, हमारे कथाओं का भंडार है, लेकिन केवल हमारे यहां नहीं दूसरे देशों के अंदर भी। तो आपका तो इतना गहन अध्ययन है, बौद्ध धर्म तो इतना फैला, तो वहां पर भी जातक कथाएं किस रूप के अंदर गई इनका, और आगे वहां पर क्या इनके अंदर परिवर्तन हुआ, इनका परिवर्तन हुआ, यह भी एक मन के अंदर जिज्ञासा बनती है। तो कभी इनसे बैठ के फिर चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति संसद का सौभाग्य है बहुत कम लोग आए, लेकिन फिर भी जो आए हम लोग एक नई दिशा और नया सोच लेकर के आ जाएंगे, हाँ, और इस पर हम विचार करेंगे कि आगे जो आज के समाज की आवश्यकता हो गई, सम्यक विचार, अब उस समता सम्यकता हमारे जीवन के अंदर कैसे आए, और इसके अंदर जातक कथाएं इसका माध्यम बन सकती है, इस बात को सीखने के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सर, इस प्रश्न के बाद उसके बाद विमोचन करेंगे। जी सर, जैसे जो आपने डॉक्टर चावला का विशद अध्ययन है बौद्ध पर, भगवान गौतम बुद्ध पर, आप सभी जानते हैं कि आज से 2500 साल पहले बौद्ध धर्म का बहुत जबरदस्त प्रसार हो रहा था, और सनातन धर्म में जो कर्मकांड के नाम पर समाज में जो कर्मकांडी पुरोहितों का या कर्मकांड को मानने वालों के द्वारा जो दुरुपयोग चालू हुआ था, वो एक बहुत बड़ा मतलब डेटरिंग फैक्टर था, नकारात्मक घटक था, जिसकी वजह से सनातन धर्म में वो ऐक्य नहीं आ पा रहा था। इसीलिए कुमारिल भट्ट हुए या आदि शंकर की जो परंपरा है, वो असल में ऐसा हम लोगों का जहां तक अध्ययन है वो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के समकक्ष या उसके ऊपर सनातन धर्म या वैदिक धर्म को खड़ा करने का वो आंदोलन था, जिसकी परिणति या परिणाम के तौर पर हम लोग ये चारों मठ देखते हैं चारों दिशाओं। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक दौर जबकि मतलब कुमारिल भट्ट को उस समय इतना बुरा लगा सनातन धर्म के बारे में खुलेआम जैन समाज वाले या बौद्ध दर्शन वाले टीका टिप्पणियां करते थे जो बहुत तल्ख और तीखी हुआ करती थी, तो उनको उनकी कांड के लिए कुमारिल भट्ट ने ये तय किया कि मैं बौद्ध दर्शन के स्थगित में जाऊंगा, विधिवत अध्ययन करूंगा, उनका विशद अध्ययन करने के बाद उनको मैं काटूंगा, और कुमारिल भट्ट ने ऐसा किया, लेकिन वहां रहते हुए अपने अध्ययन के अंतिम चरण में वहां पोल खुल गई, फिर वो वापस आए, फिर उनको ये अपराध बोध हुआ, उनको ये अपराध बोध हुआ कि मैं बौद्ध दर्शन में गया उनमें छिद्रान्वेषण करने के लिए, मैं सनातन धर्म के पक्ष में लॉजिक मुझे सनातन धर्म को उससे बड़ा खड़ा करना, तो वहां से जब पोल खुली वो वापस आए, तो यहाँ जो परंपरा थी सनातन धर्म में कि हम ये करेंगे तो उसका ये फल होगा, तुम अगर ये पाप कर दिए तो उसके
उसके उसके मतलब परिहार के लिए तुम्हें ये करना होगा। तो उसके अनुरूप उन्होंने धीमी जलती हुई लौ पर अपने आप को जलाना शुरू किया, ठीक है। और वो उन्होंने अपने आप को जला लिया। उसी समय आदि शंकराचार्य जाते हैं, कहते हैं कि हमारे ब्रह्म सूत्र पर ये बोलिए। तो मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जब आपने कहा कि बिंबिसार को तत्कालीन भविष्यवक्ता या सगुनिया अथवा ज्योतिषी ने कहा था कि आपका बेटा ही आपका वध करेगा, और तब आप कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में या बुद्ध की प्रबंधन में ये था, वो चाहते तो संभवतः वो विधान कट जाता, संभवतः अजात शत्रु जो है अपने पिता का वध नहीं करता। तो बहरहाल इस तथ्य को या इस दावे को उन उस उन कथाओं में जातक कथाओं में ढूंढना या ढूंढने की बात सोचना मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि बौद्ध दर्शन या भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जो आपका विशद अध्ययन है, उनके जीवन काल में कोई ऐसा मतलब वास्तविक यथार्थवादी प्रसंग या वाकया कर कोई ऐसा आप बताएं जिससे ये पता लगे कि हाँ उनकी बातों से वो विधि का विधान जो भविष्यवक्ता जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये घटित होगा, और वैसी कोई बौद्ध धर्म के अनुयायी ने वैसी कोई बात कही या मैनेजेरियल कोई एलिमेंट बताया जिससे ये वो विधि का विधान कट गया। मुझे ये जानना है बस, यही मेरा प्रश्न है। सॉरी बहुत लंबा हो गया प्रश्न। जी जी नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और अजात शत्रु और बिंबिसार वाली जो बात मैंने बताई ना, वैसी तीन कथाएं मुझे मिली थी, इसलिए मैंने उनकी चर्चा की कि जो रानी थी उसे दोहद उत्पन्न हुआ कि मैं जांग का रक्त पीना चाहती हूँ। अब जब बात वहां तक पहुंची, बिंबिसार ने कहा ठीक है, उन्होंने अपने जांग का रक्त जो है उसे पिलाया। अब उस घटना का चर्चा उन्होंने अपने माध्यम से की, और जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने ऐसी बात कही कि यही जो पुत्र होगा यही आपका वध करेगा। अब होता क्या है कि जब रानी को इस बात का पता चलता है तो वो गर्भ गिराने के लिए प्रयत्न करती है। उस तरह की बातें वर्तमान कथा में हैं कि वो उस समय जो उसको चोट पहुंचाते होंगे या जो भी इस तरह की दाई से ये कन्फर्मेशन मिल जाती है बिंबिसार को, और उसके बाद वो उस पर पहरा लगा देता है कि ये आपको नहीं करना है। अगर वो पुत्र है मेरा 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 वध करेगा तो कोई बात नहीं, मेरा पुत्र मेरा वध करेगा, है ना। यहां तक बात आती है। अब इस बात की चर्चा हो सकता है कि मगध राष्ट्र में हो, लेकिन जिस बच्चे को जिस ढंग से पाला जाना चाहिए था उस ढंग से उसका पालन पोषण नहीं हो रहा था, और इस जब वो उपासक बिंबिसार बुलाते हैं दरबार में उनको सुनने के लिए, उनकी धर्म देशना सुनने के लिए, तब उस तरह की जिस जो तीनों कहानियों में इस तरह से अब थोड़ा आठ साल का है, फिर 12 साल का हो, लगभग उन तीनों अवस्थाओं में उस तरह का वो उसने उस लड़के ने परिचय दिया जिससे पता लग रहा है कि ये जो है बहुत अधिक बर्बाद कर दिया गया लड़का है। और उनको जो अतीत कथाएं बताई जा रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए इससे पहले भी जब राजाओं को ऐसा पता लगा था तो उन लोगों ने अपने लड़के को इस तरह दंडित किया था। फिर उसमें एक कथा आती है जिसमें आचार्य उनको बताता है कि आप इस तरह से इसको मैनेज कीजिए तो वो नहीं मार पाएगा। ये इंडिकेशन उस कहानी में उदाहरण कथा द्वारा वो समझा रहे हैं उसको, जो होना था वो किस रूप में हुआ ये इतिहास गवाह है ना। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि ऐसे कई आए हैं जिसमें बुद्ध ने मना भी कर दिया अपने अनुयायियों को कि आपको इस तरह का कोई चमत्कार नहीं दिखाने, ये तो समाज से अंधविश्वासों को वो दूर कर रहे थे और इस तरह की सनातन धर्म की जो कमियां हैं उनको भी दूर कर रहे थे, है ना। लेकिन जो जो ये भविष्यवाणी वाली बात है तो ऐसी कहानियां आती हैं जिसमें उनका मतलब क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट द्वारा उनको असत्य साबित कर दिया है। ऐसा भी मैं अगली बार जैसे मुद्रा साहब ने कहा मौका मिलेगा तो मैं वो कहानियां भी आपके सामने रखूंगा। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि क्या कर्म से आप भाग्य बदल सकते हैं। सही है कि मतलब क्या कर्म महत्वपूर्ण है कि भाग्य महत्वपूर्ण है, और ये आपका बड़ा
अच्छा चिंतक पूर्ण प्रश्न था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्म से अपनों की दिक्कत यह है कि कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, ये तो स्पष्ट बात है एकदम से। अब आप क्या केवल भाग्य के भरोसे बैठे रह के सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही नहीं है। और क्या केवल आप कर्म के बल पर कुछ ले सकते हैं, ये भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह हुआ कि जैसे सम्यकता की बात कर रहे थे आप, तो एक सम्यकता की बात इसमें यह है कि कर्म और कर्म का संयोग जो कि भाग्य का निर्माण करता है वो उसमें जरूरी है, उसके कारण से भाग्य होता है। और फिर ये जिस बात का अजात शत्रु की बात कर रहे हैं वो हये वंशी है, ये उनके पांच पीढ़ियों में पांचों लड़कों ने अपने पिता का वध कर करके राज्य प्राप्त किया। अजात शत्रु के साथ भी यही हुआ, फिर अजात शत्रु के पुत्र के संपत्ति के साथ भी यही हुआ, संपत्ति के पुत्र के साथ भी फिर यही हुआ, पांच पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही। अब ठीक है, कुछ करने से कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन भाई उस विधि के विधान को जिसको हम मानते हैं उसको करना वाकई बड़ा मुश्किल है। बहुत धन्यवाद आपको, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, चिंतन का विषय है। आइए जी साक्षात बुलाइए आपकी।